नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नम्रता चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप अपने चेहरे को खूबसूरत, बेदाग, चमकदार बनाने के लिए बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं और आपको फिर भी आपका चेहरा गोरा नहीं मिला है, आपकी त्वचा गोरी नहीं हुई है, खूबसूरत नहीं हुई है। आज ये मैं जो नुस्खा बता रही हूँ, इस नुस्खे को आप एक बार जरूर ट्राई करना, रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा पहली बार के प्रयोग से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं कुछ जरूरी बातें भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली सामग्री यहाँ पर हमें लेना होगा वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर अगर आप घर में ही मिक्सी के द्वारा पीस करके घर में ही इस पाउडर को बनाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अपने हाथ से अगर आप पाउडर बनाएंगे तो वो शुद्ध चीज़ें होती हैं और वो शुद्ध चीज़ें हमारे यानी कि हमारे चेहरे को गोरा करने में बहुत तेज़ी से मदद करती हैं। मार्केट की चीज़ों में होता है मिलावट दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो हल्दी पाउडर है ये होता है एंटीबायोटिक। ये हमारे चेहरे में अगर जो पिंपल हो जाते हैं या फिर पिंपल्स के दाग धब्बे हो जाते हैं तो इन दाग धब्बों को ये ख़त्म करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है ये हल्दी पाउडर। अब आप सभी लोगों ने देखा होगा जब किसी के यहाँ शादी होती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उसके उपटन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? और उस उपटन में क्या डाला जाता है? हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का विशेष काम होता है। तो हल्दी पाउडर आप ज़रूर यूज करें, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। तो ये रंग निखारने में बहुत तेज़ी से मदद करेगा, साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो धूल मिट्टी से बैक्टीरिया हो जाते हैं, उन बैक्टीरिया को ये ख़त्म करने में मदद करता है, जिससे कि आपके चेहरे पर दोबारा से दाग धब्बे ना हो। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसमें दूसरी सामग्री डालेंगे, ये है दोस्तों आटा। आटा किस चीज़ का है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 1.5 चम्मच करीबन आटा ले लिया है। आटा जो हम रोटियाँ बनाते हैं, इसकी हम चपाती खाते हैं, तो वो हमें चाहिए आटा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्दी पाउडर और ये आटा। अब ये जो आटा है ये क्या काम करता है? ये आपके चेहरे की यानी कि त्वचा की जो डेड स्किन होती है ना, जो डेड स्किन होती है उसको ये निकालने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। आप इसे ट्राई करना, ये घरेलू चीज़ें हैं, इनमें आप सवाल क्रिएट ना किया करिए, क्योंकि ये जो घरेलू चीज़ें हैं इनमें सवाल की कोई बात ही नहीं होती दोस्तों। ये जब घरेलू चीज़ें हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, तो जब हमें खाने में नुकसान नहीं करता है तो लगाने में नुकसान कैसे करेगा? आप खुद ही बताइए। जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो वो नुकसान नहीं कर रही है, तो जब आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो ये कैसे नुकसान करेगी? आप खुद सोचिए, कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आटा भी ले लिया है, हल्दी पाउडर ले लिया है। अब इसके बाद में इसमें हम तीसरी सामग्री लेंगे, वो है दोस्तों सरसों का तेल। ये देखिए, हम लेंगे सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं, बहुत से लोगों को ऐसा होता है पसंद नहीं होता है, तो वो क्या करें, इस सरसों के तेल की जगह पर आप ये कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, यानी कि नारियल का तेल ले सकते हैं। ठीक है, नारियल का तेल, बादाम का तेल आप ये ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सरसों का तेल 1 चम्मच डाल दिया है और हम थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें, तो लगभग इसकी क्वांटिटी हो गई है सरसों के तेल की 1.5 चम्मच। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। ये आपका बेहतरीन सा नुस्खा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है और अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, बस इतना ही सामग्री हमें इसमें डालना है और इसमें कुछ नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा खर्चे वाली जो रेमेडी होती है वो मैं नहीं बताती हूँ, और मेरी जो रेमेडी होती है वो बिल्कुल होम रेमेडी होती है, यानी कि घरेलू चीज़ें जो आपको अपनी किचन में ही मिल जाए। दोस्तों आप इसे यूज करना, देखना आपके चेहरे की कैसे रंगत निखरती है, यानी कैसे कि कैसे अच्छा सा निखार आता है आपके स्किन में। आप लोग चेहरे को गोरा करने के लिए ये क्रीम वो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट लगाते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है, आपको थोड़े दिन की चमक मिलेगी, थोड़े दिन के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज़ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाए, जैसे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, पिंपल्स हैं, जड़ से ख़त्म हो जाए, गोरा आप यानी कि चेहरा आपका चमकदार गोरा हो जाए, तो हमेशा के लिए हो जाए,
तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आपको घरेलू नुस्खे यूज करने होंगे और ये घरेलू नुस्खे आपको स्थायी रूप से फायदा करेगा और इससे जो ग्लो आएगा चेहरे में वो हमेशा आपका बरकरार रहेगा। यानी कि हमेशा का मतलब ताउम्र, समझे दोस्तों, ताउम्र, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर इनमें से जैसे आपको सरसों के तेल से एलर्जी है तो आप इसकी जगह पर क्या करें, नारियल का तेल ले लें। आटे से एलर्जी है तो बेसन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है। दोस्तों आपने देखा होगा जब नई दुल्हन का जो उपटन किया जाता है उसमें भी आटा यूज किया जाता है, हल्दी पाउडर यूज किया जाता है और तेल यूज किया जाता है। तेल कौन सा, सरसों का तेल यूज किया जाता है। जब नई दुल्हन का मेकअप खराब नहीं होता है, चेहरा खराब नहीं होता है, तो आप लोगों का कैसे खराब होगा। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है इससे स्क्रब। तो आप अपने चेहरे पर हाथ में कहीं पर भी इससे आप स्क्रब कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको लगाया और लगाने के बाद में आपको इस तरीके से इसका स्क्रब करना है। ये देखिए बहुत सारे इसमें चीज़ें नहीं हैं, आप इसको लीजिए और इस तरीके से अपने चेहरे की, अपने हाथ की, अपने पैरों की, जहाँ कहीं की भी, गर्दन की, आप अपने इस तरीके से हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इससे स्क्रब करिए अपने चेहरे पर। आप देखना जो आपके चेहरे की जो डेड स्किन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हैं, आप इसे यूज करेंगे तो आपके दाग धब्बे, झाइयाँ, पिंपल्स की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों आपकी जो चेहरे की डेड स्किन है वो भी निकल जाएगी और आपके चेहरे पर एक नया सा निखार आएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। यानी कि अगर आपके फ्रेंड वगैरह होंगे तो वो भी आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है जो आपका चेहरा इतना चमकदार गोरा हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मैं स्क्रब कर रही हूँ, ये इस स्क्रब से आपके जो चेहरे की धूल मिट्टी गंदगी सारी समाप्त हो जाएगी। आप इसे ट्राई जरूर करना, ठीक है ना, एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके, यानी कि विश्वास करके आप इसे ट्राई जरूर करना। तो आपको क्या करना है, इसको आपको स्क्रब करना है करीबन 5 मिनट। 5 मिनट आप इससे इसका स्क्रब करिए और स्क्रब करने के बाद में आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट स्क्रब करिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप सिंपल पानी से साफ कर लीजिए। और जब ये आप स्क्रब करें, किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, और स्क्रब करने के बाद में आप, यानी कि 5 मिनट छोड़ दीजिए और 5 मिनट के बाद में आप अपने पानी से, सिंपल पानी से आप इसे साफ कर लीजिए। और इसको जब पानी से आप धो लेंगे तो किसी भी माइल्ड फेस वॉश से आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। बस इतना सा आपको करना है। अगर आप इस स्क्रब को आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते रहे तो दोस्तों आप कभी भी काले नहीं पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की पिंपल्स, झाइयाँ, दाग धब्बे, एक्ने प्रॉब्लम किसी कोई भी नहीं आएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं आएगा। आप इसे जरूर ट्राई करना। इस स्क्रब से आपकी जो स्किन भी, यानी त्वचा की जो स्किन होती है वो टाइट होगी, ठीक है ना। आपकी फाइन लाइन की प्रॉब्लम अगर है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। चेहरे की सारी समस्या को ये समाप्त करके आपके चेहरे को गोरा, चमकदार, खूबसूरत बनाएगा और आपके जो चेहरे की जो स्किन है वो बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाएगी, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनके जैसी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये नुस्खा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ आल पर प्रेस करना। इससे होगा ये जो नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मैं मिलती हूँ नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार।